यहाँ पर देख सकते हो ठेले के ऊपर प्रिंटर रखा हुआ है जो कि बारिश में भीगा हुआ भी है। और यहाँ पर देख सकते हो मतलब कचरे के अभाव में भाई साहब यहाँ पर सीपीयू पड़े हुए हैं जो, तो ये मैंने छोटा सा जो है एग्जॉस्ट फैन परचेस किया ये। हेलो एवरीवन, चैनल के एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं क्या दिखाने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, वो तो शायद आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा, लेकिन मैं क्यों जाने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा है कि लगभग 3 दिन पहले ही मतलब मेरा भाई कुछ काम कर रहा था और अचानक से इसका मतलब पावर सप्लाई जो है सीपीयू का जल गया। तो मैं यार अभी मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और यार मुंबई है, मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी और फिलहाल अभी दिन भर तो बारिश कम था आज संडे के दिन, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा बारिश चालू हो गया हल्का हल्का। तो फिलहाल वो तो देखते हैं, अभी वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कितना बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी जो है यहाँ पर देखो कि ये जो है मेरा सीपीयू ना, ये मैंने वहाँ से सिर्फ 4300 का खरीद के लाया था। इसमें i5 थर्ड जनरेशन है, ठीक है, और इसमें 128 GB की SSD है, बाकी 4 GB का DDR3 रैम है। तो ये जो है मतलब काफ़ी मुझे सस्ते में मिल गया था, काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, तो लगभग 6 महीने तक अच्छे से चला। और अभी जो इसका फिलहाल पावर सप्लाई जो है यहाँ पर सुलग चुका है और ये जो VIP का पावर सप्लाई है देख सकते हो। और एक दिन इसमें से यार धुआं निकलना चालू हो गया, मेरे भाई ने बताया, मैं तो घर पे था नहीं, तो मैं सोचा चलो भाई इसको अभी लेके जाता हूँ और वहाँ से हम दूसरा पार्ट इसको खरीद के लेके आते हैं, यानी दूसरा पावर सप्लाई खरीद के लाते हैं। तो चलो चलते हैं भाई। फिलहाल मैं यहाँ पर दत्ता सामंत चौक साकिना का बस स्टॉप उतर चुका हूँ और फिलहाल यहाँ से मैं जा रहा हूँ जो साकिना का मेट्रो स्टेशन है ना, उसके नज़दीक में जा रहा हूँ और वहाँ पर आगे मैं बताता हूँ आपको फिर वहाँ से कहाँ जाना है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हो साकिनाका में, तो यहाँ पर मेट्रो के नीचे जितनी भी दुकान है ना, लगभग इसमें से सभी दुकानें मोबाइल की हैं, यानी मोबाइल स्टोर्स हैं। अगर आप मुंबई में रहते हो और न्यू फोन्स खरीदना चाहते हो ऑफलाइन मार्केट से, तो ये प्लेस काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ से आप मतलब हर एक वैरायटी के फ़ोन या फिर हर एक कंपनी के फ़ोन यहाँ से परचेज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी मोबाइल की दुकानें हैं। तो अभी देख सकते हो मैं मेट्रो स्टेशन के जस्ट आगे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से जो है रास्ता जाता है 90 फीट रोड की तरफ। तो अभी देखो यहाँ पर ऑटो लगे हुए हैं जहाँ से आप शेयर में जा सकते हो या फिर आप अगर इंडिविजुअली जाना चाहते हो मीटर से, उससे भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मीटर से जाओ। और यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 लोग बैठे हैं, तो मैं भी जाकर साथ में बैठ जाता हूँ। और यहाँ से सिर्फ 10 रुपये में जो है आप पहुँच जाओगे 90 रोड। अगर आप पैदल भी चल के जाओगे तो आपको लगभग यहाँ से 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ऑटो से जाओगे तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे। और देख सकते हो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और 10 रुपये लगा था, तो जैसा कि मैंने बताया आपको। एंड यहाँ पर देख सकते हो नेताजी नगर, तो यहाँ से आपको एंट्री लेना है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर आने के ना और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुझे पता है और जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रास्ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से आओगे तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर मतलब रोड वगैरह बन चुका है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है, लेकिन फिर भी बारिश के टाइम में भाई हर जगह से थोड़ा थोड़ा कचरा आ ही आता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हालत है। लेकिन यार अभी जो है काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, मैं बहुत पहले से यहाँ पे आता हूँ, पहले बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं था। इनफैक्ट अभी भी देख सकते हो बहुत सारा कचरा रोड पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि यार यहाँ का जो काम होता है ना, यहाँ पर जो काम होता है बेसिकली कचरे से रिलेटेड ही होता है, और वो भी कचरा नहीं बोल सकते आप इसको, या इसमें जो आप कचरे से भाई साहब एकदम पैसा बनाते हैं यहाँ पर, तो कैसे मैं आपको बताता हूँ आगे। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि यार स्क्रैप में काम करती हैं, यानी जितने भी पुराने सामान होते हैं
उसके रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड यहाँ पर उन सभी के रिलेटेड यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर सकते हो कंप्यूटर के पीछे ऐसे ही साइड में पड़े हुए हैं और यहाँ पर इस साइड में ये सब भी छोटे छोटे कंप्यूटर की दुकान है जिसके अंदर आपको यार बहुत सारे जो है यहाँ पर पीसी देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के। और यहाँ पर से तो पंखे का आर्मेचर भी यहाँ पर कितना सारा पड़ा हुआ है जो हम सीलिंग फैन यूज करते हैं उसका, और साइड में कितने सारे सीपीयू के बॉक्सेस। और इस तरीके से मैं ये दुकान पर पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मैं जो है अपने लिए एक नया पावर सप्लाई परचेस करता हूँ। और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत सारे सप्लाईज मिल जाएंगे पावर सप्लाई अलग अलग कंपनी के। और मैं जो है अपने साथ जो मेरा जला हुआ सप्लाई था पावर सप्लाई उसको मैं लेके गया था ताकि उसी के साइज़ का मैं दूसरा लेके आ सकूँ, तो उसी साइज़ का मैंने दूसरा खरीद लिया था। एंड फ्रेंड यहाँ पर सिर्फ आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पावर सप्लाई खरीदना चाहते हो वो भी वर्किंग कंडीशन में टेस्ट करके देते हैं तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये पे मिल गया। और फिर मैं आगे निकल चुका मार्केट में ताकि मैं और भी नई नई चीज़ें आप सभी को दिखा सकूँ और वीडियो में कुछ और आपको एक्स्ट्रा दिखा सकूँ मैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो ठेले के ऊपर प्रिंटर रखा हुआ है जो कि बारिश में भीगा हुआ भी है। और यहाँ पर देख सकते हो मतलब कचरे के भाव में भाई साहब यहाँ पर CPU पड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर LED के जो डिस्प्ले होते हैं ना उसके भी यहाँ पर पड़े हुए हैं LCD के, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कबाड़ में पड़ी होती है भाई साहब। अगर आप यहाँ से परचेस करोगे तो काफ़ी कम दाम में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने इस दुकान से जो है कुछ एग्जॉस्ट फैन परचेस करे जो कि मुझे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे इसकी वजह से। तो देख सकते हो ये मैंने छोटा सा जो है एग्जॉस्ट फैन परचेस किया, ये मुझे 20 रुपये का मिला इसलिए मैंने इसको 2 पीसेस परचेस किए थे। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो ये वाला भी मुझे कूलिंग फैन मिला, एग्जॉस्ट फैन बोल सकते हो, ये काफ़ी मस्त हवा देता है। हर एक यहाँ पर जितने भी फैन है वो 12 वोल्ट पर ही काम करता है। और एक मैंने यहाँ पर बड़ा वाला भी एग्जॉस्ट फैन परचेस किया, ये मुझे किचन में लगाना है बेसिकली, तो आप ऐसे यहाँ से परचेस कर सकते हो। और ये जो एक छोटा सा है जो कि यार ये काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, अगर आप इसको ऑनलाइन लोगे तो लगभग 300-400 के आसपास मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिल गया। तो देख सकते हो आप जैसे कि मैंने बताया ना कि ये पूरा यहाँ पर कबाड़ी का मार्केट ही है पूरा। और यहाँ से जो कंप्यूटर में खरीद के लेके गया था वो जो है इसी दुकान से खरीद के ले गया था, यहीं से लेके गया था। और यहाँ पर यार काफ़ी मतलब कम दाम में मिल जाएंगे आपको, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाले CPU जो है आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाएंगे, जैसे कि 7-8 हज़ार में आपको जो है i5 के जो है i5 प्रोसेसर वाले जो है आपको सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। और इस दुकान पे देख सकते हो भाई साहब पूरी लाइन लगा रखी है यहाँ पर LCD डिस्प्ले की पूरी लाइन लगा रखी है। और नीचे जो है मदरबोर्ड कूलिंग वाला फ़ैन होता है वो नीचे रखा हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने मुझे एक पीस फ्री में ही दे दिया था तो वो मैं ले लिया था। एंड उसके बाद आगे भी यार बहुत सारी दुकानें हैं, सभी देख सकते हो कचरे की यानी कबाड़ की जैसी दुकान होती है ना वैसी, ये पूरा हर एक यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ है। और भाई साहब जो कंप्यूटर से या फिर जो IT फील्ड वाले हैं वो यहाँ पर आएंगे ना उनका तो दिल टूट जाएगा इस तरीके से चीज़ों को पड़ा हुआ देखकर। और फिलहाल आप यहाँ से चाहो तो लैपटॉप की बैटरीज भी परचेस कर सकते हो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये भी आपको लगभग 100 रुपीज की एक बैटरी मिलेगी तो आप यहाँ से आके परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ ये पुरानी बैटरी रहेगी, नई बैटरी नहीं रहेंगी। और यहाँ पर यार काफ़ी टाइम तक थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास करने के बाद अलग अलग दुकान में घुसने के बाद फिर उसके बाद फिलहाल मैं सोच रहा हूँ अभी निकलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि अभी ज़्यादा शाम हो चुका है। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिर से मेट्रो स्टेशन की तरफ और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा घर की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस मतलब मेरा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहता है हमेशा, क्योंकि मुझे जो कम दाम में चीज़ें चाहिए रहती है वो यहाँ से मिल जाती है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा अगर आप सेकंड हैंड सामान परचेस करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक में और वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड, तो डेफिनेटली भाई कहीं और जाने से पहले यहाँ पर एक बार ज़रूर आना मार्केट में, एक बार अच्छे से पूछताछ करना, निगोशिएट करना, मोल भाव करना, और यहाँ से आप चीज़ें परचेस कर सकते हो। तो मैं आपको एक काफ़ी ज़रूरी बात बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनकी दुकानों का कोई नाम ही नहीं है, मतलब उनके दुकान के सामने आपको कोई भी बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पूरे वही काम होता है। हर एक दुकान में भी आपको वही कंप्यूटर का स्क्रैप का ही पूरा वही काम होता है। तो यहाँ पर लगभग बहुत सारी दुकानें पर जो है आपको यहाँ पर उनका बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, तो जब तक आप यहाँ पर आओगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अभी जो फिलहाल शाम का टाइम हो चुका है तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। और फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है यहाँ पे पहुँचने में आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा फ्रेंड्स। और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए बना सकूँ। और यार वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यार मुझे, और ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग और काफ़ी जल्दी जल्दी यहाँ पर ब्लॉग में अपलोड कर सकूँ अपने चैनल पर। और अभी फ़िलहाल शाम का टाइम हो चुका है और फिर से मैं जाता हूँ वहीं पर जहाँ से मैं ऑटो से उतरा था, वहाँ से ऑटो लूँगा और वहाँ से जाऊँगा
बस स्टॉप की तरफ और बस स्टॉप से मैं जाऊंगा अपने घर की ओर। और फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल साकिना का मेट्रो के आगे, और यहां से देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त माहौल दिख रहा है भाई साहब। मौसम काफ़ी ज़्यादा मस्त हुआ है और शाम का टाइमिंग है, हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी इसके वजह से यार मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, हल्की हल्की सी ठंडक भी लग रही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर जो पावर सप्लाई और कुछ एग्जॉस्ट फैन परचेस किए हैं, तो फिलहाल अभी यहाँ से मैं आ चुका हूँ बस स्टॉप पर, और बस स्टॉप से मैं सीधा घर के लिए जाऊँगा। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।